हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, पिछली क्लास में हमने HBR का एडिशन देखा था, मार्कोनी का और एंटी मार्कोनी का रूल को देखा था। बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ ब्रोमीन। ठीक है बच्चों, तो हेलोजन का एडिशन देखेंगे। तो बच्चों देखते हैं, RCH11CH2 का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन CCl4। ठीक है बच्चों, CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ब्रोमीन की एडिशन करवाते हैं बच्चों, और हमें मिलता है बच्चों CHBr और CH2Br। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये प्रोडक्ट बना। अब हम बच्चों इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म में देखिए बच्चों, RCH11CH2 ये एल्कीन है बच्चों, और ब्रोमीन में बच्चों Br है। ठीक है, ये इसको ऐसे तोड़ेगा तो Br- बच्चों बाहर जाएगा। ठीक है, अब इस डबल बॉन्ड में बच्चों एक RCH और CH2 Br, और बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना, लेकिन बच्चों ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर ये बच्चों इस पर फास्ट अटैक करता है। ठीक है, और एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाता है इस तरीके से बच्चों Br+। इसको हम कहते हैं बच्चों साइक्लिक हेलोनियामाइन। ठीक है, ब्रोमीन है तो ब्रोमोनियामाइन बन गया बच्चों, बना साइक्लिक ब्रोमोनियामाइन। ठीक है, एक साइक्लिक ब्रोमोनियामाइन बनता है बच्चों। अब इस ब्रोमोनियामाइन में क्या होगा कि RCH CH2 Br+। अब बच्चों इसमें होता है Br- का अटैक। ठीक है, तो Br- बच्चों ये अपोजिट साइड से अटैक करता है। ठीक है, तो और ये रिंग ऐसे ब्रेक हो जाएगी बच्चों 3 मेंबर की, तो आपको मिलेगा RCH Br और CH2 Br, इस तरीके से। ठीक है, तो Br- क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड। ठीक है, तो बैक साइड के अटैक को ही बच्चों हम बोलते हैं एंटी अटैक। तो अटैक कहां से होगा बच्चों, बैक साइड से होगा, फ्रंट साइड से अटैक नहीं होगा, क्योंकि फ्रंट साइड में बच्चों ये रिंग बना हुआ है और ये रिपल्सन क्रिएट करता है। ठीक है, तो बैक साइड अटैक इज फेवरेबल ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। ठीक है, तो बैक साइड अटैक ज्यादा फेवरेबल है क्योंकि फ्रंट अटैक में इसको बच्चों रिपल्सन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली ओवरऑल आपने देखा कि ब्रोमीन का बच्चों एंटी एडिशन होता है। ठीक है, जब जब बच्चों ऐसा 3 मेंबर का इंटरमीडिएट बनेगा, 3 मेंबर की साइक्लिक रिंग बनेगी एल्कीन के केस में, उन सभी केसेस में बच्चों एडिशन कैसा होगा, एंटी एडिशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये एंटी एडिशन मिलेगा आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर, और साइक्लिक हेलोनियामाइन इंटरमीडिएट बनता है, इसी को हम बच्चों बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्या है बच्चों, ये है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बच्चों रीअरेंजमेंट नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बच्चों रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार रफली फिर से हम देख लेते हैं बच्चों क्या हुआ है पूरे प्रोसेस में। तो RCH11CH2 है बच्चों, ठीक है, ब्रोमीन CCl4 है, एक इंटरमीडिएट बनता है बच्चों इसमें, साइक्लिक हेलोनियामाइन बनेगा बच्चों, फिर ये ब्रेक हो जाता है इस तरीके से, बच्चों ये टूट जाया करेगा। ठीक है,
तो पूरा प्रोसेस इस तरीके से चलता है। और यहाँ पर ब्रोमीन की जो एडिशन है उसको हम कहते हैं बच्चों एंटी एडिशन, ठीक है। तो एग्जांपल समझ गए, तो ब्रोमीन का डबल बॉन्ड कार्बन पर एडिशन है क्या, एंटी, ठीक है बच्चों। अब एग्जांपल देखते हैं हम, देखिए एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ब्रोमीन CCl4 बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ब्रोमीन CCl4 है बच्चों। फिर नेक्स्ट लिया है बच्चों हमने CH3CH डबल बॉन्ड CHCH3 ब्रोमीन CCl4 के साथ। बच्चों हमें बताने हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। और बच्चों हमने इसके दो केसेस देखे थे, ये बच्चों ब्यूट 2 इन है, तो अगर हमने इसका सिस वाला फॉर्म लिया तो क्या होगा, और बच्चों अगर हमने इसका ट्रांस वाला फॉर्म लिया तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो एग्जांपल्स को देखते हैं। तो देखिए डबल बॉन्ड कार्बन है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर बच्चों आपको ब्रोमीन लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। यहां पे भी बच्चों यही काम कर सकते हैं, तो CH3CH Br और CH2Br लगा दिया, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए आप ब्रोमीन लगा दीजिए, तो CH3CH Br CH Br CH3 बना, ठीक है। अब देखिए ये कायरल सेंटर बना, ये कायरल सेंटर बना, तो कायरल सेंटर है बच्चों 2 और मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल। तो बच्चों एन का वैल्यू है 2 और मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल। तो टोटल जो आइसोमर्स बनेंगे बच्चों इसके, टोटल आइसोमर्स मिलेंगे बच्चों 3। तो टोटल आइसोमर्स ही बच्चों इसके क्या है, टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखिए इस केस में देखिए प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, ये भी पूछ लेता है। तो बच्चों देखिए ये सिस है, ठीक है, और एडिशन अभी देखा ब्रोमीन का एडिशन बच्चों डबल बॉन्ड कार्बन पर एंटी होता है, ठीक है। तो सिस एल्कीन एंटी एडिशन, क्या बताया था बच्चों आपको हमने कि सिस एल्कीन प्लस एंटी एडिशन, सिस एल्कीन एंटी एडिशन क्या बनता है बच्चों, दो ये डिफरेंट है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, वो कहां बनते हैं बच्चों, रेसमिक में, तो रेसमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। अब देखिए रेसमिक मिक्सचर कैसे बताया था कि इस तरीके से बैकबोन कार्बन का टॉप में रहेगा बच्चों और बीआर और बीआर इस तरीके से यही अपना मिरर इमेज बना लेगा बच्चों, और एच एच जुड़ा हुआ है, तो बच्चों ये बीआर एच और एच बी आर यहां पर है बच्चों CH3 और यह है CH3, इस तरीके से ये फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए यह है ट्रांस एल्कीन, एल्कीन कैसा है बच्चों, ट्रांस है, एडिशन कैसा है, एंटी। तो ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन, तो क्या बताया था बच्चों आपको, ट्रांस एल्कीन प्लस एंटी एडिशन और ये बनाता है बच्चों मीजो कंपाउंड, क्या बना देता है, मीजो। तो मीजो कैसा दिखता है बच्चों आपको, मीजो में तो बच्चों POS होता है, तो प्लेनर सिमेट्री के लिए दोनों ब्रोमीन को एक तरफ रखना पड़ेगा, ठीक है। और बच्चों ये H H और ये CH3 और ये CH3, तो मीजो बन गया,
म्यूजियो कंपाउंड क्या है बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है बच्चों, बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेवन, इस बार लिया है बच्चों ने सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी टू एच फाइव, ठीक है, और ब्रोमीन सी सी एल फोर की एडिशन करवाते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट क्या बना? सी एस थ्री सी एच, ठीक है, तो डबल बॉन्ड पर बच्चों ब्रोमीन को लगा देना है आपको, ठीक है। तो देखिए काइल सेंटर टू है, तो एन का वैल्यू टू, क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि एक तरफ सी एस थ्री एक तरफ क्या है बच्चों सी टू एस फाइव है, तो मॉलिक्यूल कैसा है? अनसिमेट्रिकल। नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात करें बच्चों, कितने मिलेंगे? फोर, ठीक है, फोर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, कभी इस तरीके से पूछ ले। ठीक है, तो बच्चों देखिए इस केस में तो आपको पता है कि ब्रोमीन आ जाएगा। अब अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, स्टीरियो वाइज देखें, तो ब्रोमीन का एडिशन बच्चों क्या एंटी है, तो एंटी एडिशन का मतलब ये हुआ कि अगर एक ब्रोमीन अबो प्लेन है तो दूसरा वाला ब्रोमीन कहाँ होगा बच्चों? बिलो प्लेन होगा, तो एंटी हो गया अपोजिट साइड से। या बच्चों आप पॉसिबिलिटी ऐसे बना सकते हो कि ये वाला बिलो प्लेन हो जाए और ये अबो प्लेन हो जाए, ठीक है, तो ये आपस में रिलेटेड हैं बच्चों क्या? इनेंसियोमर्स। क्या है बच्चों? इनेंसियोमर। ये सेंटर अबो प्लेन, जैसे हम उसको वन टू बोले, ये वन टू है, तो वन पर अबव वन का बिलो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हुआ और टू पर भी कॉन्फ़िगरेशन बच्चों रिवर्स हुआ। तो जब हर सेंटर पर, हर कार्डियल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन बच्चों चेंज हो जाए तो वो क्या होते हैं? इनेंसियोमर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ठीक है, तो बच्चों ए प्लस बी बना और इसका हमें संबंध बताना है, आपस में क्या रिलेशन है ये बताना है। ठीक है, तो बच्चों कोई बात नहीं, रिलेशन हम बता सकते हैं बड़े आराम से। कैसे? ब्रोमीन डबल बॉन्ड पर आएगा और ब्रोमीन का एडिशन बच्चों क्या है? एंटी है, तो एंटी एडिशन कुछ ऐसे, इस तरीके से देखिए। ठीक है, तो बच्चों ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, दूसरी पॉसिबिलिटी भी ऐसे हो सकती है बच्चों कि जो अबो प्लेन था उसको बिलो प्लेन बना दें और जो बिलो प्लेन है उसको अबो प्लेन लिख दें, इस तरीके से। अब बच्चों ये सीएस थ्री है, तो अगर ये ब्रोमीन बच्चों कैसा है? ब्रोमीन अगर बिलो प्लेन अबो प्लेन है तो सीएस थ्री बच्चों हो जाएगा बिलो प्लेन। ठीक है, सेम सिचुएशन बच्चों यहां पर है, तो अगर ये बच्चों बी आर बिलो प्लेन है तो जो सी एस थ्री होगा ग्रुप वो कैसा होगा बच्चों? अबो प्लेन। तो देखिए ये आपस में क्या है? इनेंसियोमर्स है बच्चों। ठीक है, तो ये अबव ये बिलो, ये वाला बिलो और ये अबव, तो हर सेंटर पर जब कॉन्फ़िगरेशन बच्चों चेंज हो जाए तब रिलेशन क्या होता है? इनेंसियोमर्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, और एडिशन वही है बच्चों, ब्रोमीन CCl4, और हमें बताना है प्रोडक्ट जो बनेंगे उनका रिलेशन बताना है। A प्लस B प्रोडक्ट बनाया है बच्चों और हमें इनका रिलेशन बताना है क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या बनता है, ये तो अपनी जगह है बच्चों, प्लस
और ये भी अपनी जगह है, ठीक है। अब बात करें बच्चे इस डबल बॉन्ड पर कौन आएगा, ब्रोमीन ब्रोमीन आ जाएगा, तो हम लिख देख सकते हैं कि ब्रोमीन का एंटी एडिशन है। कैसा एडिशन है बच्चों, एंटी, ब्रोमीन का एंटी एडिशन। तो बच्चों ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन अपोजिट साइड से आएंगे, ये बच्चों कैसा है, ये ब्रोमीन और ब्रोमीन एंटी एडिशन दिखाने के लिए हमने लिखा। अब अगर हम रिलेशन देखें तो बच्चों देखिए ये सेंटर कायरल है और इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, क्योंकि ब्रोमीन को अबो, ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको अबो प्लेन दिखाया गया है, तो कॉन्फ़िगरेशन कोई भी होगा हमें यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो भी होगा आर होगा या एस होगा वो फिक्स है। वो चीज बच्चों यहां पर भी है, यहां पर भी वही बात है, फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन है इस सेंटर पर। अब ये वाले कायरल सेंटर बच्चों हमने खुद तैयार किए हैं, देखिए ये भी सेंटर कायरल है, ये वाला सेंटर भी कायरल है, ठीक है। तो ये सेंटर हमने बनाया है, एंटी एडिशन है। तो कॉन्फ़िगरेशन देखिए, अगर इसकी बात करें, अगर ये आर होगा तो ये एस होगा, अगर बच्चों ये एस है तो ये आर है। तो बच्चों ये क्या है, यहां पर तो कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है लेकिन बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। तो जब बच्चों एक सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो और अदर सेंटर्स पर कॉन्फ़िगरेशन वेरी कर जाए तो ये बच्चों क्या है, डायस्टीरियोमर्स हैं। तो हमने क्या बना लिया बच्चों, डायस्टीरियोमर्स, क्योंकि बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हुआ नहीं। इनेंसियोमर्स कब होते हैं, जब हर सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो बच्चों ये तो फिक्स है और यहां पर वेरिएशन हो रहा है, तो ये एग्जैक्टली मिरर इमेज नहीं बन रहा है बच्चों, यहां तो बनना है, यहां ही बन रहा है लेकिन इस सेंटर पर नहीं बन रहा, तो ये क्या है, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको देखिए, ठीक है, यहां पर भी बच्चों वही ब्रोमीन CCl4 की एडिशन करवाते हैं। अब बच्चों क्या ये सेंटर कायरल है, अब ये कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि यहां CH2 यहां पर CH2 और ये CH और CH दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है, तो ये क्या है बच्चों, नॉट अ कायरल सेंटर, नॉट अ कायरल सेंटर, ठीक है। तो एडिशन बना दीजिए तो दो तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, ये ठीक है तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब बच्चों इस डबल बॉन्ड पर एडिशन होना है तो डबल बॉन्ड की एडिशन एंटी है, जो अभी भी ये कायरल सेंटर नहीं है, नॉट अ कायरल सेंटर। अगर इनके रिलेशन की बात करें बच्चों तो रिलेशन क्या बोलोगे, अब बच्चों ये कायरल सेंटर नहीं है तो ये क्या है, इस पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, ये 1 2, ये 1 2, तो बच्चों 1 का कॉन्फ़िगरेशन पलटा, 2 का भी पलटा, तो जब कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो रहे हैं तो वो क्या है बच्चों, इनेंसियोमर्स हैं। क्या बना लिए बच्चों, हमने इनेंसियोमर बना लिए, ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं। और एग्जांपल देखें, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चों एडिशन करवाते हैं ICL की, इंटर हेलोजन कंपाउंड है बच्चों, ICL की एडिशन करवाते हैं। अब ऐसे पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए ICL में क्या है, I प्लस और CL माइनस साइन, ठीक है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज बना लेगा। तो बच्चों देखिए आई प्लस इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो जैसे Br+ होता है वैसे ही आई प्लस बच्चों एक
साइक्लिक इंटरमीडिएट बना लेगा। अब बच्चों सीएल माइनस का अटैक होना है, तो सीएल माइनस बच्चों क्या है, न्यूक्लियोफाइल है जिस पर है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज वाला उस सेंटर पर जाना चाहेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज अच्छा खासा प्रेजेंट हो। ठीक है, तो बात यह है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट दैट कार्बन वेयर पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल, वेयर पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल। तो आप बच्चों देखिए, ये कार्बन 2 डिग्री का है, ठीक है, तो बच्चों इस पर बना हुआ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अगर ये यहां पर अटैक करे तो आप ऐसे समझो कि जब साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है तो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन कम लगे हों, क्योंकि बच्चों ये 2 डिग्री का है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा, ये CH2 ये प्राइमरी कार्बन है, यहां पर चार्ज कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है या जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या हाइड्रोजनों के नंबर कम हो, न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा, तो रिंग बच्चों ऐसी टूटेगी। ठीक है, तो बना क्या बच्चों देखिए, तो CH3CH Cl CH2I बच्चों ये इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखिए कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रोडक्ट टोटल कितने होंगे, प्रोडक्ट तो बच्चों बन गया, ये प्रोडक्ट है बच्चों, ये कार्यल सेंटर है, ये कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे, 1 कार्यल सेंटर 2 प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, अब आईसीएल की एडिशन करानी है, बच्चों इसमें कहीं आयोडीन लगा दे कहीं पर भी क्लोरीन लगा दे कोई समस्या नहीं, क्योंकि दोनों ही डबल बॉन्ड तो बच्चों एक जैसे ही कार्बन कार्बन बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल में ऐसे देखें बच्चों, ध्यान दीजिए, अब आईसीएल की एडिशन करवाते, ठीक है, तो देखिए तो ऐसे केस में ध्यान दीजिए बच्चों, तो पहले तो आपने एक साइक्लिक हेलोनियम आयन तो बना लिया, कोई समस्या नहीं अपने को। अब बात आती है बच्चों सीएल माइनस के अटैक की, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट दैट कार्बन वेयर पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। अब बच्चों ये वाला कार्बन देखिए 3 डिग्री का है, तो 3 डिग्री के कार्बन पर चार्ज, 3 डिग्री का कार्बोकैटायन जो बनता है समझ लो वो ज्यादा स्टेबल होता है, यहाँ ट्रू कार्बोकैटायन नहीं है लेकिन ये अटैक यहां पर होगा, तो रिंग बच्चों ये ऐसे टूटेगी। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा देखिए बच्चों, यहां रहेगा सीएल और यहां पर रहेगा बच्चों आयोडीन। ठीक है, तो ये बात बच्चों यहां पर क्या है, ये फिक्स हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से आयोडीन बच्चों यहीं पर रहेगा और क्लोरीन यहां पर रहेगा। ठीक है, बात समझ गए हमारी, तो अगर हम इसको स्टीरियो में लिखना चाहें तो अटैक तो बच्चों 3 मेंबर रिंग पर है, एंटी होता है, तो बच्चों ये क्लोरीन बिलोप्लेन हो सकता है, या बच्चों ये आयोडीन अपोप्लेन हो सकता है, या इसका अपोजिट हो सकता है कि भाई ये अपोप्लेन हो जाए, ये बिलोप्लेन हो जाए। ठीक है, और बच्चों मिथाइल की बात करें तो मिथाइल ग्रुप यहाँ अपोप्लेन और यहां पर मिथाइल ग्रुप बच्चों बिलोप्लेन, तो पूरा सिस्टम समझ गए। ठीक है, लेकिन आयोडीन बच्चों यहीं पर रहेगा, ये बात समझिए कि अटैक न्यूक्लियोफाइल का उस कार्बन पर होगा वेयर पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, बस रीअरेंजमेंट नहीं होता इस केस में बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, बच्चों CH3CH और डबल बॉन्ड CH2, अब हमने लिया बच्चों ब्यूरोमीन इन ब्राइन, ब्राइन तो ब्राइन क्या है बच्चों, एक्वस NaCl। ठीक है, तो बच्चों इसमें अगर हम प्रोडक्ट की बात करें कि क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, तो उसको समझने की कोशिश करें बच्चों, देखिए तो ब्रोमीन में बच्चों क्या मिलेगा आपको, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और ये बच्चों क्या है, इलेक्ट्रोफाइल,
तो अब पॉसिबल न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकते हैं उनको देख लीजिए। तो ब्राइन में क्या बच्चों NaCl है, तो Cl माइनस हो सकता है, चूंकि एक्वस है तो पानी भी हो सकता है, पानी के पास वाटर के पास भी बच्चों क्या है लोन पेयर होते हैं, न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। ठीक है, तो देखिए चले बच्चों हम, तो Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना। अब बच्चों क्या होता है, अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा इस कार्बन पर। ठीक है, तो बच्चों अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है तो बच्चों यहां पर बात करते हैं एवरी पॉसिबल न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक। ठीक है, जितने भी न्यूक्लियोफाइल है सबके सब अटैक कर सकते हैं। तो बच्चे ये टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये NU ऐसे टूटेगा। और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास जो उपलब्ध है, तो बच्चों एक न्यूक्लियोफाइल Br माइनस भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये Br प्लस है तो इसका Br माइनस भी होगा। तो अब यहां पर जो जो पॉसिबिलिटी है बच्चों, Br माइनस भी हो सकता है, तो CH3CHBr एंड CH2Br, बच्चों Cl माइनस भी हो सकता है, तो CH3CHCl CH2Cl, और बच्चों पानी भी हो सकता है वाटर, तो वाटर से जो पार्ट जुड़ता है बच्चों वो OH जुड़ेगा, तो CH3CHOH और CH2Br। तो बात करें बच्चों इसका मेजर प्रोडक्ट क्या है, ये है इसका मेजर प्रोडक्ट, अगर पूछे तो आप बता सकते हो ये मेजर है। तो मेजर क्यों, क्योंकि बच्चों लिख रहे हैं कि एक्वस NaCl, एक्वस NaCl है तो पानी बच्चों सॉल्वेंट का काम करता है, वाटर क्या है सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट बच्चों एक्सेस में होता है। तो यहां पर अगर बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल एक्सेस में होगा, और वाटर के मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से उसके अटैक की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है। इसकी वजह से बच्चों इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर के अटैक, वाटर न्यूक्लियोफाइल के अटैक से बनेगा। तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन के बाद नेक्स्ट एडिशन देखते हैं, एडिशन ऑफ HOX। ठीक है बच्चों, तो HOX में देखिए बच्चों ये एक एसिड है। ठीक है, तो एसिड बच्चों H प्लस आयंस भी प्रोड्यूस करता है, तो क्या होगा बच्चों ये लोन पेयर से ये प्रोटोनेटेड हो जाता है, तो प्रोटोनेटेड होकर के मिलेगा बच्चों हमें HOH प्लस और ये बच्चों X। ठीक है, अब बच्चों इसमें से क्या होगा, ऑक्सीजन पर चार्ज है तो ऑक्सीजन अपने चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा, क्या बनेगा X प्लस बन जाएगा बच्चों। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि HOX में X प्लस है और क्या है बच्चों H2O है, तो ये X प्लस इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और जो वाटर है बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल देखिए बच्चों, इसका मैकेनिज्म लिखते हैं एग्जांपल से। अगर हम एग्जांपल की बात करें जो RCH11CH2, ठीक है बच्चों हमने एडिशन करवाई HOBr की। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट मिला RCHOH CH2Br, ये बच्चों प्रोडक्ट बना। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों इस रिएक्शन से। तो मैकेनिज्म की अगर बात करें बच्चों कि RCH डबल बॉन्ड CH2, और बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है बच्चों X प्लस है, तो X प्लस बच्चों इसमें क्या है Br प्लस है। ठीक है, और लोन पेयर है बच्चों, तो ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर्स होते हैं वो हमेशा साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाता है। बच्चों देखिए ये गया इधर और ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। ठीक है,
वैकेंट ऑर्बिटल है बच्चों इसके पास ब्रोमीन के पास, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, आर सी एच सी एस टू, ये बच्चों बी आर आकर के इसमें जुड़ जाएगा, तो साइक्लिक ब्रोमोनियमाइन बना। तो जब जब बच्चों साइक्लिक ब्रोमोनियमाइन बनता है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों एंटी अटैक। तो एडिशन यहां पर भी बच्चों क्या है, एंटी है, तो आपको मिलेगा आर सी एच, वाटर से जो पार्ट जुड़ेगा बच्चों वो क्या है, ओ एच बना देते हैं, चलो एच टू ओ प्लस सी एच टू बी आर। अब बच्चों ये अपने चार्ज को खत्म कर लेगा, एच प्लस गया, आपको मिल गया बच्चों आर सी एच ओ एच सी एच टू और पी आर। इस तरीके से बच्चों ये प्रोडक्ट इसका बना, जिसको बोलते हैं बच्चों ब्रोमो हाइड्रिन, ठीक है। क्लोरीन होता तो क्लोरोहाइड्रिन बन जाता, ठीक है। देखिए देखिए अब एग्जांपल नंबर वन, सी एच थ्री सी एच डबल वन सी एच टू और एच टू सी एल की एडिशन करवा दी, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या मिलेगा, सी एच थ्री सी एच ओ एच और सी एच टू सी एल। तो आप अगर डायरेक्ट देखते हैं तो डायरेक्ट देख रहे हैं तो ओ एच और सी एल की एडिशन हो रही है, तो ओ एच जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को आप उस कार्बन पर लगा दें जहां पर हाइड्रोजन कम है। अगर हम डायरेक्ट देखें इसमें ओ एच और सी एल की एडिशन हो रही है बच्चों, तो ओ एच वही मार्कोनी का आपकी तरीके से देख लो कि एच ओ सी एल में क्या है, आप ऐसे अगर समझें तो इसमें रफली ओ एच माइनस है और सी एल प्लस है, ठीक है। तो मार्कोनी का रूल के हिसाब से देख लो आप इसको, मार्कोनी का रूल के हिसाब से देख लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एड्स टू दैट कार्बन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों आप इसमें डायरेक्ट भी देख सकते हो, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, जब जब साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है बच्चों। फिर देखिए सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री कौन है, ब्यूट टू ईन, और एच ओ बी आर की एडिशन करवानी है और प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। तो बिल्कुल बच्चों बता सकते हो, यहां तो दोनों ही टर्मिनल क्या सिमेट्रिकल है, कहीं भी ओएच लगा दो कहीं बी आर लगा दो कोई दिक्कत नहीं। तो सी एच थ्री सी एच ओ एच बी आर और सी एच थ्री बच्चों ये टू सेंट्रल कार्यल है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें अगर वो मिलेंगे बच्चों फोर, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, इसमें एक ओएच लगा है दूसरा क्या है बच्चों ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। अब इसी में देखिए अगर ये ऐसे होता तो ये क्या है, ये सिस फॉर्म है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड बना दिए हमने और एच ओ बी आर बनाते, तो सिस एल्कीन एच ओ बी आर का एडिशन कैसा है बच्चों, एंटी एडिशन। वो सब एडिशन एंटी होते हैं जो साइक्लिक इंटरमीडिएट के थ्रू बनते हैं, ठीक है। तो जो देखिए सिस एल्कीन और एंटी एडिशन तो क्या बनता है बच्चों, रेसमिक, सिस और एंटी रेसमिक बनता है, ठीक है। तो रेसमिक कैसे लिखते हैं बच्चों आपको पता ही है, तो बच्चों OH और BR लगाना है, यहां पर OH लगा दिया और यहां पर BR लगा दिया, रेसमिक में से लिखते हैं बच्चों, तो मिरर इमेज बना दी नहीं बच्चों OH और BR HH इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब इसी का ट्रांस वाला ले लेते हैं, इसी के बच्चों इसका ट्रांस केस लेते हैं। तो बच्चों देखिए फोर्थ वाले में
ध्यान से बच्चों कैसे लिखना है आपको, मीजो जैसा, ठीक है। तो ट्रांस और एडिशन कैसा है बच्चों, एंटी। तो ट्रांस एंटी पर हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो मीजो जैसा होता है। तो मीजो में दोनों ही आने वाले जो ग्रुप है या एटम है वो सेम साइड रहेंगे ऐसे। अब बच्चों ये CH3 और ये CH3 और ये H और ये H बच्चों अभी मीजो नहीं है, बनाया हमने वैसे ही जैसे मीजो बनाते हैं। कि क्या बन गया, और प्लस इसका क्या होगा बच्चों, मिरर इमेज। तो ये क्या बन गया, ए बी है बच्चों आपका, रेसमिक है, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। तो आपस में बच्चों ये क्या है, इनेंसियोमर कहा जाएगा। तो ये और इसका मिरर इमेज रिलेशन क्या होता है बच्चों, इनेंसियोमर, ठीक है। अब बच्चों देखिए, ठीक है, तो प्रोडक्ट बताना है, बिल्कुल बना सकते हैं। तो कहीं पर OH लगाते हैं, कहीं पर BR, और अगर हम इसको स्टीरियो केमिस्ट्री लिखें तो एडिशन कैसा है बच्चों, NT। तो NT एडिशन को बच्चों हम ऐसे लिखते हैं, प्लस ये इस तरीके से भी हो सकता है, OH BR। रिलेशन की बात करें तो क्या है, इनेंसियोमर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आप एग्जांपल, अब बच्चों अगर बात करें, ठीक है, प्रोडक्ट बनाना चाहे बिल्कुल बना सकते हैं। तो बच्चों प्रोडक्ट देखिए, OH यहां पर आएगा और ये CL बच्चों यहां पर होगा। मार्कोनी का रूल के हिसाब से देख लीजिए, OH माइनस CL प्लस, डायरेक्ट तरीका है बच्चों, ठीक है। और अब आप देखिए इसमें मार्कोनी का रूल, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या क्या हो बच्चों, कम हो, ये मिलेगा। और आप इसको देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे दो तरीके से, अगर स्टूडियो मेंशन करने के लिए पूछे भाई, बच्चों स्टूडियो के हिसाब से पूछ लेता है कभी कभी, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट की बात करें तो इस तरीके से बच्चों एंटी एडिशन है, तो एंटी दिखाना है, ठीक है, ये ऐसे हो सकता है। रिलेशन की बात करें तो क्या है बच्चों, इनेंसियोमर, ठीक है। और देखिए बच्चों, कोई बच्चों रीअरेंजमेंट नहीं है, ये बन जाएगा बच्चों इसमें प्रोडक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को वहां लगाते हैं जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, कि बच्चों OH और CL, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट एडिशन देखते हैं, एडिशन ऑफ NOCl। NOCl को हम बच्चों कहते हैं टिल्डेंस रिएजेंट, ठीक है बच्चों। तो देखिए R CH डबल बॉन्ड CH2 पर अगर हम बच्चों NOCl की एडिशन करवाएं तो NOCl में क्या है बच्चों, NO प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों NO प्लस, तो NO प्लस में देखें बच्चों कुछ इस तरीके से, देखिए बच्चों कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना हुआ है और बच्चों इस पर पॉजिटिव चार्ज भी है, और नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो दो तो बच्चों डबल बॉन्ड बनाने में लग गए और दो इस पर बच गए, तो N प्लस है बच्चों। अगर हम N की बात करें तो 2.5 है कॉन्फ़िगरेशन,
अगर बच्चों एन प्लस है तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कॉन्फ़िगरेशन बना बच्चों आपको 2.4। तो एनओ प्लस में बच्चों क्या है, दो इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड बनाने में लग गए, एक बच दो बच गए बच्चों, और प्लस है तो जो सातवां इलेक्ट्रॉन था वो उड़ गया। देखिए बच्चों इस पर पॉजिटिव चार्ज भी है और ये लोन पेयर भी है, तो इंटीमेट बनेगा बच्चों इसका साइक्लिक आर सी एच और सी एच टू, इस तरीके से बच्चों ये बना लेगा एनओ प्लस। ठीक है, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब बात करें बच्चों सीएल माइनस की अटैक की, तो सीएल माइनस करेगा बैक साइड से अटैक, इस तरीके से टूटेगा, मिलेगा बच्चों आर सी एच सी एल और सी एच टू एनओ, ये बच्चों इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर देखिए बच्चों सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री ले आए बच्चों एनओ सी एल को, अब कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिकल है कहीं भी लगा दें, तो मिलेगा बच्चों आपको सी एच थ्री सी एच एनओ सी एच सी एल और सी एच थ्री, बच्चों इस तरीके से अगर लिखे हैं और एनओ सी एल, बच्चों एनओ सी एल में क्या है एनओ प्लस और सी एल माइनस, मार्कोनी का फूल लगा दीजिए बच्चों आप। ठीक है, जैसे एच ओ सी एल में देखा था बच्चों, तो बच्चों ये सी एल आ गया, यहां पर आ जाएगा एनओ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, रिएजेंट यूज्ड। ठीक है बच्चों, वो है बी एच थ्री, इसी को बच्चों बी टू एच सिक्स भी लिख देते हैं कभी कभी। ठीक है, और सॉल्वेंट जो यूज करते हैं बच्चों वो टी एच एफ है, टी एच एफ बोलते हैं बच्चों टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान, बच्चों ये ईथर है, ये साइक्लिक ईथर यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये लोन पेयर है बच्चों इसके पास, और ये बोरोन बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो इसको स्टेबलाइज करता है, इसलिए हम टी एच एफ सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे नंबर में बच्चों H2O2 और OH-, चूंकि ये ऑक्सीडेशन है तो हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि है बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो बच्चों देखिए रिएक्शन क्या है, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और आप देखिए हमने लिखा है बच्चों बी एस थ्री टी एच एफ और बच्चों है H2O2 एंड OH-। ठीक है, तो प्रोडक्ट की बात करें बच्चों यहां पर, तो प्रोडक्ट बन रहा है RCH2CH2OH, ये बच्चों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आप ओवरऑल देखिए, तो अगर आप इस रिएक्टेंट को देखिए, इस प्रोडक्ट को देखिए, तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख के क्या समझ में आ रहा है कि हमने डबल बॉन्ड पर क्या किया है, एक H लगा दिया है और एक OH लगा दिया है, यही तो समझ में आ रहा है हमें। ठीक है, और रूल देखिए, तो कौन सा रूल, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को वहां लगाया जहां पर हाइड्रोजनों की नंबर ज्यादा है, तो बच्चों हमने जो रूल लगाया है वो है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तो बच्चों इस रिएक्शन का नेट जो रिजल्ट है उसको देखिए, रिजल्ट याद रखना है, मैकेनिज्म तो भी बच्चों हम डिस्कस करेंगे इसका, लेकिन बस इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसका जो रिजल्ट है बस वो इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट क्या है बच्चों, इस रिएक्शन का रिजल्ट ये है कि एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तो रिजल्ट बच्चों बस इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखना है कि एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। बच्चों हम ये भी आपको बता दें, ये हाइड्रोजन कहां से आया और ये OH कहां से आया, बच्चों हाइड्रोजन मिला आपको फ्रॉम BH3 और OH जो मिला है बच्चों वो मिला है फ्रॉम H2O2। क्या बात समझ गए, ठीक है, तो इस तरीके से आया। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि हाइड्रोजन कैसे आया और ये OH कैसे आया। ठीक है बच्चों, तो बस मैकेनिज्म हम समझने के लिए बता रहे हैं, बाकी इसमें कोई खास चीज, रिजल्ट बस इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बच्चों हम मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखते हैं बच्चों।
आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है। अब बच्चों इसमें एच और बी एच टू, तो बच्चों ये बोरॉन है और आपको पता है कि भैया बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या करेगा बच्चों, एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो बच्चों एक हाइड्रोजन यहां पर जाएगा, तो क्या होता है बच्चों, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है यहां पर आर सी एच सी एच टू एच और बी एच टू। तो बच्चों किस तरीके का ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है इसको देखिए बच्चों, ये क्या है, फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जिसको हम 4MCTS के नाम से जानते हैं बच्चों। तो अब हमें क्या मिला बच्चों, हाइड्रोजन यहां गया, तो हाइड्रोजन गया जब तो क्या मिला बच्चों, आर सी एस टू, भैया सी एच के साथ एच का बॉन्ड बना है तो आर सी एस टू हो जाएगा, और बच्चों ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, जब जब हाइड्रोजन आ गया बच्चों यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलेगा क्या बच्चों, आर सी एस टू और बी एस टू। बच्चों हम इसको बोलते हैं मोनो एल्काइल, मोनो एल्काइल बोरेन। अब बच्चों ये सिलसिला आगे भी चलता है, आगे भी चलता है बच्चों, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू एल्कीन फिर आता है, तो ये कब तक चलता है, जब तक कि इसके सभी हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। देख रहे हैं कि बच्चों बी एस थ्री, इसमें थ्री हाइड्रोजन हैं, अब बच्चों इसमें दो बचे, आगे फिर एल्कीन आएगा, फिर एक बचेगा, फिर एक बार और आएगा, सभी हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे, तो क्या बनता है बच्चों, ट्राई एल्काइल बोरेन हम बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए, अब जब एक एल्कीन और आएगा इसमें, तो बच्चों ये कैसे होगा, आर सी एच टू और बच्चों सी एच टू होल ट्वाइस, ये बच्चों बी एच बन जाएगा, फिर से एल्कीन आएगा बच्चों इसमें, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, अब मिलेगा बच्चों आर सी एच टू सी एच टू होल थ्राइस बी, ये बन गया। तो ये क्या है बच्चों, मोनो एल्काइल बोरेन था, ये है बच्चों डाई एल्काइल बोरेन, डाई एल्काइल बोरेन, और ये क्या है बच्चों, ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन, ठीक है। तो बच्चों जैसे मोनो एल्काइल बोरेन बना है, वैसे ही बच्चों डाई एल्काइल बोरेन भी बना हुआ है, तो आप इसके फॉर्मेशन को भी बच्चों हम यहां पर बता देते हैं कि कैसे बनाया है बच्चों हमने इसको। देखिए आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, अब बच्चों ये बी एच टू है, तो इसको भी वैसे लिखना जैसे बच्चों यहां पर इसको लिखा था, तो बच्चों ये एच और बी एच के साथ बच्चों क्या है, सी एच टू सी एच टू आर, तो बच्चों यहां भी वैसे ही वैकेंट ऑर्बिटल है, ये गया और इसने इधर बॉन्ड बनाया, तो बच्चों ये एच यहां पर आ गया और बी एच टू वाला पार्ट, जो बी एच वाला पार्ट बच्चों ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, आर सी एच टू सी एच टू होल ट्वाइस बी एच, जैसे बच्चों इससे इसका भी कन्वर्जन का मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों हमने एल्कीन में से हमने एक ट्राई एल्काइल बोरेन बना लिया, इसमें बोरेन के एडिशन से, ठीक है। अब बच्चों आगे का प्रोसेस देखिए, अब आगे का प्रोसेस क्या होता है उसको देखिए, कि अब ये आर सी एच टू सी एच टू होल थ्राइस बी, अब बच्चों ये अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2O2 OH- से, इसके साथ ही ब्रेक हो करके R, ध्यान दीजिए बच्चों R CH2 CH2 OH plus BOH whole thrice, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, H3BO3 भी बोलते हैं, कि बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जा करके। तो R CH2 CH2 OH और प्लस BOH whole thrice से को ही हम बोल रहे हैं क्या, बोरिक एसिड ये बनाता है। तो बच्चों अब इससे इसके कन्वर्जन का भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। वैसे बच्चों मैकेनिज्म कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम तरीका बता दे रहे हैं एक बार कि कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और आपको अल्टीमेटली तो रिजल्ट ही याद रखना है, ठीक है।
तो अब देखते हैं बच्चे, बच्चों ट्राई अल्काइल ब्रोमीन टू अल्कोहल की कन्वर्जन का मैकेनिज्म क्या है। बच्चों हम इसकी भी मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए इस कन्वर्जन को भी देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्जन ऑफ ट्राई अल्काइल बोरेन टू अल्कोहल, ठीक है बच्चों। तो देखिए H2O2 HOOH प्लस OH माइनस, बच्चों तो ये इसके H को खींचता है, इस बॉन्ड को तोड़ता है बच्चों, तो आपको मिला HOO माइनस प्लस पानी। तो बच्चों उसको बोलते हैं हाइड्रोपरोक्साइड आयन, हाइड्रो परोक्साइड आयन, ठीक है बच्चों। ये क्या है, हाइड्रोजन परोक्साइड। अब बच्चों बी और CH2 CH2R और बच्चों आपको पता है कि बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो बच्चों OOH जो हाइड्रोपरोक्साइड आयन है बच्चों, ये इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, भैया इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मिल गए। तो मिलने के बाद आप देखिए कैसा दिखेगा आपको, ये कुछ ऐसे। तो बी, अब देखिए बच्चों OOH, अब बोरोन के बनने बच्चों फोर बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये बना बच्चों हो गया जाकर के sp3 ch2 ch2r और CH2 CH2R CH2 CH2R, ये आ गया। अब अगला जो प्रोसेस है उसको देखिए बच्चों, अब एक ग्रुप का माइग्रेशन होता है बच्चों, अल्काइल ग्रुप का, ये वाला OH ग्रुप लीव कर जाता है, ठीक है। तो लीव करने के बाद दिखेगा बच्चों आपको कुछ ऐसे। तो देखिए क्या मिल रहा है बच्चों आपको, बी और CH2 CH2R और CH2 CH2R, इस तरीके से। अब बच्चों ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ा, तो यहां मिला बच्चों OCH2CH2R, ठीक है। अब बच्चों ये प्रोसेस इसमें भी रिपीट होगा, इसमें भी रिपीट होगा। अब आगे फिर से बच्चों ये H2O2 और OH माइनस के साथ फिर से ऑक्सीजन घुस जाएगा इस बोरोन और कार्बन के बॉन्ड के बीच में। तो बोरोन OCH2 CH2R OCH2 CH2R और CH2 CH2R, ठीक है बच्चों। अब फिर यही कहानी, फिर से बच्चों H2O2 और OH माइनस, एक बार फिर बोरोन घुस ऑक्सीजन आ जाएगा इस बोरोन कार्बन के बॉन्ड के बीच में, तो आपको मिलेगा बच्चों क्या, बी और OCH2 CH2R OCH2 CH2R OCH2 CH2R, ये आ गया। अब बच्चों अगले स्टेप में क्या होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, कि बी OCH2 CH2R O CH2 CH2R O CH2 CH2R, अब बच्चों इसका हो जाता है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में बच्चों ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, वैसे ये वाला भी बॉन्ड टूटेगा। तो बच्चों यहां पर आया H और OH, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आया H और ये OH, और बच्चों इसी तरीके से आया H और OH। तो बच्चों देखिए बोरोन के आसपास 3 OH ग्रुप आ गए, तो बोरोन के पास 3 OH ग्रुप आ गए, तो BOH और ये OH प्लस, ये देखिए क्या मिला, RCH2CH2OH, ये मिल गया बच्चों R CH2
CH2OH। तो जो इस तरीके से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये थी बच्चों, इसका जो रिजल्ट है वो इम्पोर्टेंट है, मैकेनिज्म बस हमने आपको एक बार समझने के लिए ये कराया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों हम एग्जांपल्स यूज करते हैं, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर वन। बच्चों लिखा है हमने CH3CH2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमने लिखा है B2S6, ठीक है, B2S6 भी लिख सकते हैं बच्चों। THF ईथर बच्चों सॉल्वेंट लिया है। नंबर टू है H2O2 एंड OH-। तो बच्चों क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो अभी देखा बच्चों रिजल्ट की बात करें अगर, तो बच्चों यहां से मिला H और यहां से मिला क्या बच्चों आपको OH, ठीक है। एंटी मार्कोनी का आपके हिसाब से प्रोडक्ट बना दीजिए, तो मिलेगा बच्चों R CH CH2, और बच्चों यहां पर आया H, यहां पर आया क्या OH आ गया, ठीक है। अब बच्चों इसी में देखिए हम क्या लिखते हैं, हमने लिखा बच्चों B2D6, ठीक है, और नंबर टू पर है H2O2 एंड OH-, ठीक है। तो कहानी अभी भी बच्चों वैसी ही है, तो यहां मिलेगा बच्चों RCH। अब बच्चों यहां पर क्या है, D है, तो यहां आ जाएगा D मिला ड्यूटेरियम, और यहां पर मिलेगा क्या बच्चों CH2 और OH, ठीक है। अब बच्चों अगर ये ऐसे लिखा होता B2H6 THF ईथर, और लिखा होता बच्चों D2O2 OD-, तो आप क्या करते, हम क्या करते बच्चों, यहां से H लगा देते, यहां से OD लगा देते, ठीक है। तो हमें मिलता बच्चों CH3CH CH2, बच्चों ये H आ गया और ये क्या आ गया, OD आ गया। तो एग्जांपल समझ रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए CH3CH CH3 अभी आ गया, ठीक है। वही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों B2S6 और H2O2 एंड OH-, ठीक है। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनता, तो अभी कोई समस्या नहीं, कहीं भी H लगा दो, कहीं भी OH लगा दो, सब एक जैसा है। तो मिलता बच्चों हमें CH3 CH2 CH OH CH3, इस तरीके से बच्चों ये प्रोडक्ट बनता, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, H और OH की एडिशन करवानी है, तो बच्चों ये अल्कोहल बन जाता है इसमें, ठीक है। अब इसी में अगर ऐसे लिखा होता बच्चों BD3 और H2O2OH-, तो बच्चों डबल बॉन्ड पर D और OH लगाना था, तो लग जाता इस तरीके से OH, और यहां पर आ जाता बच्चों ड्यूटेरियम। कोई समस्या किसी को? नेक्स्ट देखिए, इसमें भी देख लीजिए बच्चों B2S6 और H2O2OH-, तो बच्चों बिल्कुल डायरेक्ट आपको एंटी मार्कोनी का आपके रिजल्ट का इस्तेमाल करना है, कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
डायरेक्टली बच्चों हमें एंटी मॉर्कोनी कफ रूल का इस्तेमाल करना है बच्चों। जो सेम रिएक्शन यहां पर कराते हैं क्या मिलेगा, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है बच्चों हमें, यहां पर OH आ जाएगा क्योंकि बच्चों बाहर क्या है CH2, तो H यहां पर लगाना है, OH यहां पर लगा देना है एंटी मार्कोनिक ऑफ का रिजल्ट इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। ठीक है बच्चों, सेम रिएक्शन यहां कराते हैं तो CH3CH CH3 CH2 CH2 OH, तो एंटी मार्कोनी का रूल बच्चों ये H और OH, ठीक है, बात समझ रहे होंगे हमारी। बच्चों सेम यहां पर काम करना है बच्चों H और OH, ये बना, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है बच्चों। तो इसमें भी देखिए यहां पर भी बच्चों यही H और OH, तो PH CH2 CH2 OH, डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है बच्चों। बच्चों इस केस में भी डायरेक्ट रिजल्ट का इस्तेमाल करना है बच्चों, H और OH, ये मिला बच्चों। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट बनाए हैं बच्चों। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में बच्चों कुछ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के जैसा ही दूसरा रिएक्शन भी है जिसको हम बच्चों हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन के नाम से भी जानते हैं बच्चों, तो उनको भी देख लेते हैं। तो रिएजेंट कभी कभी जो मेन रिएक्शन है बच्चों वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ही है, इसके अलावा भी कुछ रिएक्शन है इसमें जो हम लिखते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों हमने क्या किया, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और हमने लिखा है बच्चों B2H6 और THF का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो हमने बना लिया बच्चों ट्राई अल्काइल बोरेन RCH2CH2 और बच्चों ये होल थ्राइस बी, ये बना लिया, इसका नाम है ट्राई अल्काइल बोरेन, ये बना लिया। अब ट्राई अल्काइल बोरेन में अगर हम H2O2 और OH- लें तो H2O2 और OH- बच्चों अल्कोहल बना देता है RCH2CH2OH, अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है बच्चों। अब इसमें अगर हम बच्चों एसिड ले लेते हैं, एसिड लेते, ठीक है, तो एसिड से बनता है, तो हमने इसका नाम दिया बच्चों HBO कहा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बच्चों जब एसिड लेते हैं तो एसिड से H मिलेगा, ये क्या है बच्चों हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन कहते हैं, तो इससे बच्चों क्या है ना H आके जुड़ता है, तो आपको मिलेगा RCH2 और CH2H आ गया, तो बच्चों मिलेगा क्या RCH2CH3 बन जाएगा, इससे हाइड्रोजन आता है जिसको रिडक्शन बोलते हैं,
अगर बच्चों हम इसमें ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता बच्चों आर सी एच टू सी एच टू बी आर, इस तरीके से हेलाइड बन जाता, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों हाइड्रो बोरेशन हेलोजिनेशन। बच्चों अगर हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट लिखते हैं तो बच्चों ये बनता है डबल प्रोडक्ट आर सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू आर, इस पार्ट को डबल कर दिया तो ये बच्चों हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन, हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन। तो बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो रिएक्शन आपकी ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसके बाद अगर कभी कुछ पूछता है तो हाइड्रोबोरेशन बच्चों रिडक्शन पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही रेयर है जो आपसे पूछे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फर्स्ट वाली जिसको HBO के नाम से दिया, और HBR हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन बच्चों ये कभी कभी भी पूछ लेता है, ठीक है। बात समझ गए हमारी, तो कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों हम। देखिए बच्चों हमने लिखा है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच थ्री, ठीक है बच्चों। और हमने लिया है नंबर वन बी टू एच सिक्स टी एच एफ, और नंबर टू पर है बच्चों सी एच थ्री सी डबल ओ एच, ठीक है। फिर लिखा बच्चों हमने यहां पर बी टू डी सिक्स टी एच एफ, और नंबर टू की बात करें तो हमने लिखा है बच्चों सी एस थ्री सी डबल ओ क्या एच, ठीक है। तीसरा रिएक्शन लिखा बच्चों हमने बी टू एच सिक्स, और नंबर टू पर लिखा है हमने बच्चों सी एस थ्री सी ओ ओ डी, ठीक है। और एक और लिख देते हैं रिएक्शन, नंबर वन बी टू डी सिक्स टी एच एफ, और नंबर टू सी एस थ्री सी ओ ओ डी, ठीक है। तो देखिए इससे क्या मिलेगा बच्चों एच, और इससे भी मिलेगा बच्चों एच। अगर हम यहां से बात करें तो डी मिलेगा और इसका मिलेगा H, ठीक है। रिडक्शन है तो एसिड से H आ जाता है, और बच्चों बोरोन हाइड्रोजन है बोरोन में तो रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। बच्चों यहां से मिलेगा D, यहां से मिलेगा D, और बच्चों इसमें मिलेगा H और इसमें मिलेगा क्या D। अब देखिए तरीका वैसे ही है कि सी एच थ्री सी एच और सी एच और बच्चों सी एच थ्री, जो कुछ होना है वो डबल बॉन्ड पर होना है, तो बच्चों ये आएगा H और ये आएगा H, ठीक है। इस तरीके से लिखा। अब बच्चों चूंकि दोनों ही पार्ट सिमेट्रिकल है, कहीं से कुछ भी लगा दे इसमें हम, ठीक है। अब बच्चों अगर हम इसमें बात करते हैं, इसमें प्रोडक्ट बनाते हैं तो मिलता सी एच थ्री सी एच और सी एच सी एच थ्री, तो बच्चों ये आ जाता है डी और यहां पर आ जाता है एच। तो डी कहां से आया है, फ्रॉम बी टू डी सिक्स, और ये कहां से मिला, फ्रॉम एसिड। बात समझ रहे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए बच्चों ट्राई करते हैं, तो आपको मिलेगा क्या सी एच थ्री सी एच डी सी एच डी सी एच थ्री ऐसे, और बच्चे इसमें आप देखिए यहां मिलेगा सी एच थ्री सी एच एच और सी एच डी एंड सी एच थ्री, ठीक है। बात समझ गए। तो और क्वेश्चन देखिए,
CH3 CH double bond CH2। और लिखा है बच्चों B2S6 और नंबर टू पर है CH3 COOD। ठीक है, तो बिल्कुल काम वैसे ही करना है जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में करते थे। तो बच्चों यहां पर लगेगा H, यहां पर लगेगा D, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे H और OH लगाते थे। क्या बात समझ रहे हैं हमारी? तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे H और OH लगाते थे। तो इसका प्रोडक्ट है बच्चों CH3 CH2 और CH2 D। ये ऐसा एल्केन बनेगा जिसमें ड्यूटेरियम यहां पर होगा। पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है कि बोरोन, जो बोरेन है उसका हाइड्रोजन यहां पर लगता है बच्चों। आके जो मैकेनिज्म लिखा था बच्चों टीएस जैसे बना रहे थे। ठीक है, एक और देखिए, और सेम रिएक्शन बच्चों यहां पर करा दें। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों आपको कुछ ऐसा। तो इसमें भी देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो जैसे हम H और OH लगाते थे कि H यहां OH यहां हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, तब OH नहीं है तो यहां पर बच्चों क्या है, यहां पर है ड्यूटेरियम। तो बच्चों ये D यहां पर लगेगा आके। तो बस इसमें यही चीज एक इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम बच्चों इसमें प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन दो है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ही तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी आपसे हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन भी पूछ लेता है। ठीक है बच्चों, एक और देखिए क्वेश्चन। नंबर वन, B2S6 THF, ठीक है ड्यूटेरियम ले रहे हैं बच्चों B2D6, और नंबर टू पर है CH3 COOD। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहां भी ड्यूटेरियम आ रहा है, यहां से भी ड्यूटेरियम आ रहा है, और ट्रांजिशन स्टेट बनता है बच्चों। तो जब ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो एडिशन को सिन बोलते हैं, सिन एडिशन। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि हमने सिन एडिशन और कहां पढ़ा था, हमने सिन एडिशन पढ़ा था कहां पर, हाइड्रोजनेशन में, उसमें भी ट्रांजिशन स्टेट बना। तो हाइड्रोजनेशन भी सिन एडिशन है और हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन भी बच्चों क्या है, सिन एडिशन है, क्योंकि बच्चों यहां पर भी ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान दीजिए जरा, ये क्या है, सिस एल्कीन सिन एडिशन, और ब्यूटीन मीजो कंपाउंड बनेगा क्योंकि हमने ब्यूट टू इन लिया हुआ है बच्चों। तो मीजो कैसा, सिस एल्कीन सिन एडिशन, मीजो में CH3 CH3 D D और H और H ऐसे लिखेंगे। क्या बात समझ रहे हैं बच्चों? अगर इसी को हम ट्रांस बना देते, डबल वन कार्बन और CH3 CH3 H और H, बच्चों सेम रिएक्शन यहां पर करवा रहे थे B2D6 और नंबर टू CH3 COOH। कभी बच्चों ये ऐसे भी लिख सकता है कि B2D6 इन CH3 COOH। तो बच्चों डाइबोरेन रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। तो देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट भी कर देता है। तो आप ध्यान दीजिए, ये एल्कीन है ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन। ठीक है, तो ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या बनता है बच्चों, रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा बच्चों। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी बन जाएगा। तो बच्चों ये डी एच एच डी और CH3 और CH3 ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके से। और लिखा है बच्चों हमने B2S6 और है बच्चों हमारे पास H2O2 OH-। ठीक है, तो प्रोडक्ट बताना है। तो देखिए प्रोडक्ट ये बन गया EOH। बच्चों अगर हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखें तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ट्रांजिशन स्टेट बनता है बच्चों। ट्रांजिशन स्टेट बनने की वजह से
इस एडिशन को हम सिन एडिशन कहते हैं। तो सिन एडिशन में देखें तो यहाँ जुड़े क्या हैं, एच और ओ एच, ठीक है। तो सिन एडिशन में अगर हम इसको लिखना चाहें बच्चों, आपको ऐसे दिखेगा कि ओ एच और एच सेम साइड से आया है, ये सिन है। तो एच से साथ जुड़ा हुआ जो ग्रुप है बच्चों वो क्या रहेगा, वो बिलो प्लेन रहेगा। तो इस तरीके से भी बच्चों कभी आपसे पूछ सकता है स्टूडियो को मेंशन करके कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है बच्चों।